खबर आ रही है हमारे सहयोगी जो है यहाँ पर इस मामले में सलमान खान की सजा सस्पेंड हो चुकी है और सलमान खान को बेल हो गई है, यानी कि एक तरह से जो सस्पेंड था उनकी अपील जो है वो एडमिट हो गई है और सलमान खान अब जो फैसला है वो नीचे चला जाएगा और उसके बाद जो है ये फैसला लेकर जेल में जाएंगे, उसके बाद जो है वहाँ से आज सलमान खान रिहा हो पाएंगे। सबसे बड़ी खबर, सलमान की सजा सस्पेंड हो गई है, सलमान को बेल मिल गई है। बिल्कुल आज निकल पाएंगे 50,000 25,000 बेल ग्रांटेड। हाँ बिल्कुल, सलमान खान के लॉयर थे महेश बूढ़ा जो बता रहे थे कि 50,000 के मुचलके पे उनकी जमानत हुई है और आज ही सलमान खान रिहा हो जाएंगे इस मामले में। उनकी बहन हमने देखा कोर्ट में, उनकी बहन काफ़ी खुश हो गई थी और लगातार मोबाइल पे थी। अलवीरा जो उनकी बहन है, इसके अलावा अर्पिता जो उनकी बहन है, ये थी। तो एक बड़ी कामयाबी जो है कही जाएगी आज यहाँ पर उनको मिली हुई है। हम दोबारा जाने की कोशिश करते हैं जो सलमान खान के वकील उनके पास। शाम तक बार आ जाएंगे सर, जगह देते हैं। हाँ हाँ ऑर्डर कोर्ट सेज बेल ग्रांटेड, बिल्कुल शाम तक हो जाएंगे। तकनीकी प्रक्रिया क्या होगी? कुछ नहीं, बेल बॉन्ड्स भर देंगे। अभी कितने का बेल बॉन्ड? 50,000 गजानन। देखिए मैंने पूरा फैसला नहीं देखा है क्योंकि ऑर्डर 3 पेज का है। कोर्ट ने बाहर आकर जो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा जाता है उसमें कहा बेल ग्रांटेड 50,000 का मुचल का और बॉन्ड और शॉर्ट एक या दो हजार। बड़े तौर पर आपने जो ग्राउंड रखे थे वो क्या माना कोर्ट ने? देखो कोर्ट ने माना होगा तभी बेल ग्रांट किए, ऐसा तो नहीं। अब वो सजा भी स्थगित हो गई? सजा स्थगित नहीं होती है, बेल ग्रांट होती है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हैज बीन अलाउड। ओके, 389 आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। कितने बजे तक जेल में पहुंचना चाहिए ऑर्डर की आज ही रिहाई कहा कि आज ही ये बेसिकली मेरे ख्याल बिफोर 5 o'clock पहुंचना चाहिए। अभी हम बेल बॉन्ड भर देंगे, भरवा देंगे। कितने बजे समय जेल तक के पूरा वारंट जाने में पूरा जो तामील कराया? कुछ नहीं, आधे पौन घंटे का प्रोसीजर है, आधे घंटे का। अभी उसके अंदर अभी हम पूरा कर देते हैं प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ से तहरीर निकल जाएगी, बेल बॉन्ड्स विल बी फाइल्ड एंड देन यू विल बी रेडी। एक घंटे का वक्त बढ़ाया गया था बूढ़ा साहब, उसके बाद जैसे ही जज आए कोर्टरूम में क्या कहा उन्होंने? कुछ कुछ उन्होंने दस्तखत किए पूरे ऑर्डर पर और कहा बेल ग्रांटेड, बेल ग्रांटेड, यस। ठीक है, फाइनली जो आपने ग्राउंड रखा था आखिरकार के लंबे समय में आपको सफलता मिली। सर आपने 3 ग्राउंड जो बड़े रखे थे सर बता दीजिए। सर आई हैव नॉट गॉन टू द जजमेंट सो आई डोंट से कि व्हाट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एप्लीकेशन हैज बीन अलाउड, he has been enlarged on bail. Okay, but it has not been suspended as of now. The bail, sir, we have only moved the bail application. We have moved only suspend sentence because we have not gone for the history of the conviction. That was not our prayer. Right. That was not our prayer. Okay. बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत बहुत बधाई। गजानन, गजानन, आ जा। तो आपने सुना सलमान खान के वकील को जिनका कहना है कि अदालत ने किस तरह से, इन्होंने बताया हमें कि जज बाहर आए और उन्होंने रविंद्र कुमार जोशी जज उन्होंने आकर कहा कि बेल ग्रांटेड और अब इनका ये कहना है कि आज शाम तक जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद हैं सलमान खान। 2 रातें उन्होंने जेल के भीतर बिताई हैं और अब आगे की कार्रवाई पूरी होते ही सलमान खान शाम तक जेल से बाहर निकल आएंगे। अब आगे की कार्रवाई क्या है ये आपको बता देता हूं। अभी इस सेशंस कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर की प्रति जो है निचली अदालत में जाएगी, उस अदालत में जाएगी जिसने सलमान खान को सजा सुनाई है और वहां से रिलीज ऑर्डर जारी होगा जो कि जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा और उसके बाद सलमान खान की रिहाई होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रक्रिया अगले 3 से 4 घंटे में पूरी होगी, यानी कि 6 से 7 बजे के आसपास जो है सलमान खान जेल से रिहा हो सकते हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं अभी अभी ऑर्डर जारी हुआ है, अब उस ऑर्डर की प्रति को निचली अदालत में भेजा जाएगा। खबरों के दौर में
ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।